आज हम बात करने वाले हैं डीएलएड सेकेंड ईयर के पेपर कोड S3 के अंतर्गत कार्य और शिक्षा। S3 में हमको पढ़ना है वर्क एंड एजुकेशन। उसके तहत हम पिछले वीडियो में आपसे बात किए थे पाठ्यचर्या में कार्य की भूमिका, आपके करिकुलम में, आपके सिलेबस में कार्य की क्या भूमिका है। और आज का हमारा टॉपिक है कार्य केंद्रित शिक्षण शास्त्र की समझ, यानी कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्क ओरिएंटेड टीचिंग। आज हम जानेंगे अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्क ओरिएंटेड टीचिंग। वर्क ओरिएंटेड टीचिंग कैसे काम करता है, इसके बारे में आज विशेष चर्चा होगी। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, आज हम बात करने वाले हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है 1986 में एक अवधारणा लाई गई थी SUPW, यानी कि सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क, SUPW के। इसके बारे में हम आज विशेष बात करेंगे। सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क यानी कि सामाजिक रूप से उपयोगी उत्पादक कार्य, वैसे कार्य के बारे में जो कि सोशली यूजफुल हो यानी कि सामाजिक रूप से उपयोगी हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 आपको याद रखना है। SUPW की जो परिकल्पना जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 में इसको लागू किया गया था। तो यहाँ बात हो रही है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में सामाजिक रूप से उपयोगी उत्पादक कार्य, शॉर्ट में इसको कहा जाता है SUPW। कई बार आपको जो है परीक्षा में इसका फुल फॉर्म भी पूछ दिया जाता है, SUPW का फुल फॉर्म आपको याद करना है, इसको नोट आउट कर लीजिए, सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क, इसको आपको नोट आउट करना है, इसको याद भी रखना है। और इसका हिंदी होता है सामाजिक रूप से उपयोगी उत्पादक कार्य की अवधारणा को स्वीकार किया गया, एक्सेप्ट किया गया, और इसे उद्देश्यपूर्ण एवं अर्थपूर्ण शारीरिक कार्य भी माना गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में SUPW की अवधारणा को स्वीकार किया जाता है और इसे उद्देश्यपूर्ण यानी कि मीनिंगफुल और अर्थपूर्ण शारीरिक कार्य भी माना गया। और इसमें यह सिफारिश की गई कि इसे प्रचलित शिक्षा के सभी स्तरों पर एक महत्वपूर्ण घटक माना जाए और इसे अच्छी तरह से संगठित और व्यवस्थित कार्यक्रम के रूप में प्रस्तुत किया जाए। आप सभी को यदि याद होगा, जब आप प्राइमरी क्लास में थे, पढ़ाई करते थे, वहां पर आपको सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क SUPW के तहत कई सारे कार्य करवाए जाते थे, जिसको शायद हस्तक्रम या हस्तकला के नाम से जाना जाता था। आप लोग पिछले क्लास किए होंगे, जिसमें हमें झाड़ू बनाना, घर की साफ सफाई करना या कुछ चीजें बनाने के लिए कहा जाता था और विद्यालय में उसे जमा भी करना होता था। तो ये उसी कंसेप्ट पर आधारित किया गया कि हमें वैसे कार्य का निर्माण करना है, वैसे चीजों का निर्माण करना है जो कि सामाजिक रूप से उपयोगी हो। इसमें जो है उत्पादक कार्यक्रम को अपनाए जाने के लिए मुख्यतः 6 क्षेत्रों का चुनाव किया गया था। इसको अपनाने के लिए क्या किया था, 6 एरिया को लिया गया था, 6 क्षेत्रों का जो चुनाव किया गया था उत्पादक कार्य को अपनाने के लिए, हम वो 6 क्षेत्र का चुनाव किए थे, 6 एरिया का चुनाव किए थे जिसमें इसका हम यूज कर सके। एक एक करके यदि हम उन 6 एरिया को, 6 क्षेत्रों के बारे में बात करते हैं तो हम पाते हैं कि हमारा पहला है हेल्थ एंड हेल्थ साइंस, यानी कि स्वास्थ्य और स्वास्थ्य विज्ञान। हमें पहले नंबर में ध्यान देना है अपने स्वास्थ्य के बारे में, हेल्थ एंड हेल्थ साइंसेज के बारे में समझना है। और आपका दूसरा है फूड एंड न्यूट्रिशन, यानी कि भोजन और पोषण। तीसरा आपका है रेसिडेंस यानी कि आवास। और चौथा है कल्चर एंड इंटरटेनमेंट, संस्कृति और मनोरंजन, जो भी कल्चर से, जो भी संस्कृति से आप बिलोंग करते हैं, और इंटरटेनमेंट, हर संस्कृति का अपना एक इंटरटेनमेंट होता है, अपना एक मस्ती का साधन होता है, उसके बारे में आपको समझना है। और पांचवा है क्लोथ्स,
यानी कि कपड़े। और इसका अंतिम है कम्युनिटी वर्क एंड सोशल सर्विस। कम्युनिटी वर्क एंड सोशल सर्विस यानी कि सामुदायिक कार्य एवं समाज सेवा। तो ये वो छह मुख्य पॉइंट थे मेन जो कि सुझाव दिया गया था उत्पादक कार्य में इसे सम्मिलित करने के लिए। जब इसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में SUPW की परिकल्पना की गई, इसे लागू किया गया, तो उसमें इन छह बिंदुओं पर विशेष चर्चा की गई थी और इसे उत्पादक कार्य के रूप में अपनाए जाने के लिए सुझाव भी दिया गया था। वो छह बिंदु आपके सामने बोर्ड पर अंकित है, इसे आप लोग चाहे तो नोट आउट कर लीजिए या इसको याद कर लीजिए। हम कैसे रिपीट करते हैं, पहला है हेल्थ एंड हेल्थ साइंस, फूड एंड न्यूट्रिशन, रेसिडेंस, कल्चर एंड एंटरटेनमेंट, क्लॉथ एंड कम्युनिटी वर्क एंड सोशल सर्विस। ये वो छह मुख्य पॉइंट है जिसे कि शामिल करने के लिए सुझाव दिया गया था, इस पर विचार किया गया था। तो SUPW की ये मेन परिकल्पना थी। हम आगे जानते हैं प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर पाठ्यक्रम में तीन मुख्य कारक होंगे। यदि हम प्राइमरी एवं हाईर लेवल की बात करते हैं, हाई प्राइमरी उच्च लेवल की, तो प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर हमें पाठ्यक्रम में जो है तीन मुख्य कारक दिखाई देते हैं। पहला आपका है पर्यावरण अध्ययन और उसका उपयोग, दूसरा आपका है सामग्री उपकरण और उनके प्रयोगों के तरीके तथा अभ्यास, तीसरा आपका पॉइंट है बच्चों और उनके परिवारों की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति, अपने आसपास किए जाने वाले उत्पादक कार्य और सेवाओं में कार्यानुभव बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी आपसे चर्चा किए थे कि हमें कार्य अनुभव हमें जानना है, हमें कार्य करना है, बिना कार्य के हम सीख नहीं सकते हैं, क्योंकि पिछले वीडियो के अनुसार यह करके सीखने की सिद्धांत पर आधारित होता है। तो जब तक हम कार्य नहीं करेंगे हम चीज़ों को समझ और सीख नहीं सकते हैं। और यहाँ पर एक और चीज आपको याद रखना है कि केवल एक बार ऐसा करने से यह तय नहीं किया जा सकता कि बच्चे इसे पूरी तरह से समझ गए या इस कला में महारत हासिल कर चुके हैं। कई बार ऐसा होता है कि जैसे आपने ये वीडियो देखा आप मोटिवेट हो गए, प्रोत्साहित हो गए कि हमें अब ये काम करना है। आप उठे एक दिन कोई भी समाज सेवा कर दिए, बच्चों को गाइडलाइन कर दिए, बच्चे को कार्य और शिक्षा के अनुसार एक दिन क्लास दे दिए और हम ये समझ लेते हैं कि चलो मैंने तो अपना कार्य पूरा कर दिया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आपको एक दिन करा देने से ये बच्चे इसमें पूरी तरह महारत हासिल नहीं कर पाते, यानी कि पूरी तरह से वो सीख नहीं पाते हैं। इसके लिए हमें कंटिन्यूअस प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है, यानी कि सतत अभ्यास की आवश्यकता होती है, क्योंकि सतत अभ्यास से ही यह दक्षता क्षमता उनके अंदर आ सकती है। ये इफिशेंसी जो है तभी उनके अंदर आती है जब वो कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करते हैं। जब तक हम सतत अभ्यास नहीं करेंगे हमारे अंदर वो क्षमता नहीं आ सकती है, हमें सतत अभ्यास की आवश्यकता होती है। जैसे कि एक एग्जाम्पल आपको देना चाहेंगे, आप किसी कलाकार को देखते हैं, चित्रकार को देखते हैं, वो क्या करता है कुछ भी लाइनों से कुछ भी आपके सामने बनाकर प्रस्तुत कर देता है। जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए आपने कुछ भी लाइनिंग कर दिया, एक लाइनिंग है, अगर चित्रकार इसको देखेगा तो उसको इसमें आकृति दिखेगी, लेकिन आपके लिए बस एक जिगजैग लाइन है। एक कलाकार इसमें परिकल्पना कैसे कर सकता है, ये लाइनिंग है, कलाकार क्या करेगा इसमें थोड़ी सी इसकी परिकल्पना को बदल देगा। अब आप देख सकते हैं कुछ छवि इसमें आपको दिखने लगी, इसको और हम अगर थोड़ा सा और चेंज करना चाहें तो आप यहाँ देख सकते हैं ये थोड़ी सी चीज यहाँ पर एक आकृति का निर्माण हो गया। आप देख सकते हैं एक ह्यूमन फिगर हमारे सामने बनकर तैयार है, जिसमें आप देख सकते हैं। तो ये कैसे आती है, ये चीज जो है हमें सतत अभ्यास से ही आ पाती है। अगर हम कंटिन्यू मेहनत नहीं करेंगे, कंटिन्यू प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ये चीजों को हम
नहीं से बड़ा हो गया यहाँ से पहले। कंटिन्यू अभ्यास है, सतत प्रैक्टिस से हम चीजें को सीख सकते हैं। पहले जो लाइनिंग था अब इसमें छवि हमारे सामने प्रस्तुत हो गई है। तो कोई चीज यदि हम सीखना चाहते हैं, कोई भी कार्य हम करना चाहते हैं, इसके लिए हमें कंटिन्यू मेहनत की आवश्यकता होती है, सतत अभ्यास की जरूरत होती है, तब हम चीजों को आसानी से बना सकते हैं। चलिए एक बार हम आपके सामने एग्जाम्पल दिखाते हैं इसी तरह का। आपने कोई आकृति बनाया, मान लीजिए किसी ने वस्तु का छोड़ दिया, किसी ने ऐसा बना दिया, उसके बाद किसी ने क्या किया इसमें यू लाइनिंग कर दिया। ये कि आपके सामने बस एक लाइनिंग है, लेकिन एक चित्रकार इसमें एक छवि का निर्माण कर सकता है। छवि हम इसमें कैसे बना सकते हैं, इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई करके इसमें एक बहुत ही अच्छी आकृति का छवि का जो है हम यहाँ पर निर्माण कर सकते हैं। देख सकते हैं, देखिए इसमें हम इससे कुछ नहीं किए, थोड़ा सा चीजों को मॉडिफाई कर दिया। आपके सामने एक मशीनिंग की आकृति तैयार हो गई। एक आकृति आपके सामने बन गई। तो ये कैसे संभव हो पाता है, ये सब चीजें के लिए आपको सतत अभ्यास की जरूरत होती है, आपको मेहनत करने की आवश्यकता होती है। जब तक हम कंटिन्यू प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ये क्षमता हमारे अंदर विकसित नहीं हो सकती है। तो कार्य शिक्षा का यही उदाहरण है, जितना हम प्रयास करेंगे, जितना हम मेहनत करेंगे, हमारे अंदर एफिशिएंसी, हमारे अंदर दक्षता जो है तभी आ सकती है। कंटिन्यू प्रैक्टिस से ही हम कोई भी चीज आसानी से सीख सकते हैं। कार्य अनुभव को जो है गतिविधियों और परियोजनाओं का वास्तविक चयन उसे स्थान विशेष के प्राकृतिक भौतिक मानव संसाधन तथा सामाजिक एवं आर्थिक पृष्ठभूमि के आधार पर किया जाना चाहिए। इन गतिविधियों और योजनाओं के चयन में भी हमें विविधता आनी चाहिए। पर्यावरण संबंधी कुछ गतिविधियां निम्न हैं, हम एनवायरमेंट के संबंधित कुछ गतिविधियों की यहाँ बात करते हैं, जो कि आप आसानी से आप अपने विद्यालय में या स्वयं आप इन चीजों कर सकते हैं। यह प्रैक्टिकल चीज है आपके लिए, इसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। आप थोड़े सा बस अपने दिमाग को एक्टिव रख करके ये सब चीजें कर सकते हैं। पहला कार्य आपको करना यह है, जब आप घर से बाहर निकले या आप यदि बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो बच्चे को बता सकते हैं कि आप जब घर से बाहर निकलते हैं, घर से बाहर कब निकलते हैं, या तो विद्यालय जाने के लिए या टहलने के लिए या मार्केट जाने के लिए, तो जब भी आप बाहर निकले घर से तो अपने चारों ओर दिखने वाले घरों पेड़ों दुकानों इत्यादि का आप अवलोकन कीजिए। जब आप उससे अवलोकन करेंगे तो यह प्रक्रिया आपको एवं आपके छात्रों को संवेदनशील बनाएगी और वे स्वयं को उनसे संबंधित कर पाएंगे। जब बाहर आकृतियों को आप देखते हैं तो आपके मस्तिष्क में भी सब चीजों का निर्माण होते जाता है, उनसे आप सीखते हैं। आपके अंदर एक संवेदनशील की भावना है, आप चीजों को समझ सकते हैं, देख सकते हैं। यहाँ पर मुझे एक घटना याद आ रही है, एक प्रसंग है, वो प्रसंग शायद आप लोगों ने भी सुना होगा, वो महाभारत का प्रसंग है। प्रसंग उस समय का है जब गुरु द्रोणाचार्य के द्वारा पांडव एवं कौरवों को शिक्षा दी जाती है। शिक्षा का वो प्रसंग है जैसे कि मुझे मछली से याद आ गया, वो प्रसंग इसी तरह कुछ है। उसमें क्या होता है, गुरु द्रोणाचार्य सबको धनुष बाण की ट्रेनिंग देते हैं, उन्हें धनुष बाण चलाना सिखाते हैं। एक वृक्ष पर एक चिड़िया को बैठा देते हैं वो, और बोलते हैं कि इसको जो है आपके आपको मछली जो है सॉरी चिड़िया के आंख में आपको तीर मारना है। यह प्रसंग है उस समय का है जब वो लोग सीख रहे थे, यानी कि ट्रेनिंग ले रहे थे, जैसे कि आप सभी ट्रेनिंग ले रहे हैं अभी कॉलेज में। तो जब अर्जुन यानी पूरे पांडव और कौरव ट्रेनिंग लेते थे गुरु द्रोणाचार्य के पास, तो द्रोणाचार्य ट्रेनिंग के दौरान अभ्यास के दौरान उनकी एक परीक्षा लेते हैं, उनको सिखाते हैं कि पेड़ पर चिड़िया को रख देते हैं और कहते हैं कि चिड़िया की आंख में आपको तीर मारना है।
सबसे पहले धर्मराज युधिष्ठिर को बुलाया जाता है। युधिष्ठिर को बोलते हैं कि सामने देखो, पेन पर आपको क्या दिखाई दे रहा है। तो युधिष्ठिर बोलते हैं हमें उस पेन पर एक चिड़िया दिख रही है और चिड़िया के आसपास डाली पेड़ पत्ते भी दिख रहे हैं हमको, और पत्ते के साथ अगर पीछे देखते हैं तो उस पेड़ की तनों पर चींटियां चल रही है, जो चींटियां अपने साथ छोटे छोटे अन्न के दानों को अपने बिल में ले जा रही है। तो द्रोणाचार्य उनसे कहते हैं आपकी दृष्टि बहुत ज्यादा भ्रमित है, हर चीजों को देख पा रहे हैं, आप अपने लक्ष्य को केंद्रित नहीं कर पा रहे हैं। तो उनको ये मौका नहीं दिया जाता, एक एक करके सबसे प्रश्न पूछा जाता है और सभी लोग कुछ इसी तरह का प्रश्न जवाब देते हैं। कोई कहते हैं मुझे चिड़िया दिख रही है, कोई कहते हैं मुझे समूचा वृक्ष दिख रहा है, सबका जवाब इसी तरह का होता है। लेकिन जब अर्जुन की बारी आती है, अर्जुन को जब तीर्थधनुष दिया जाता है और अर्जुन से पूछा जाता है कि आपको क्या दिख रहा है, तो अर्जुन कहते हैं मुझे बस आँख दिखाई दे रही है, मुझे बस चिड़िया की आँख दिखाई दे रही है और कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। यानी कि मुझे बस मेरा लक्ष्य दिख रहा है और मुझे कुछ चीज दिखाई नहीं दे रही है। तो द्रोणाचार्य कहते हैं ठीक है आप बाण चलाओ। वो बाण चलाते हैं और तीर जो है चिड़िया के आँख में जाकर लगता है। तो हमें क्या होना इस कहानी से हमें क्या सीखना चाहिए, हमें अपना लक्ष्य जो है फिक्स रहना है कि जो हम देखना चाहें बस हमें वही दिखाई दे। इसलिए कहा है जब आप घर से बाहर निकले तो आप इतने संवेदनशील बने कि हर चीजों को आप देखें, लेकिन आपको बस वही दिखाई दे जो आपका लक्ष्य होना चाहिए। चलिए हम अगला इसमें देखते हैं। अगला आपका पॉइंट इसमें है कि बड़ों के साथ मिलकर पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सहयोग करना। आप अपने आसपास अपने स्टूडेंटों के साथ आपके जो छात्र हैं उनके साथ मिल करके आप पर्यावरण को क्लीन रखने में मदद कर सकते हैं। जैसे कैसे आप करेंगे, अपने आसपास के जगहों एवं पार्कों से कचरा और पोलोथीन एकत्रित करके उन्हें नष्ट करना, ठहरे हुए पानी की निकासी एवं खरपतवार को निकालना, आवारा पशुओं द्वारा अव्यवस्था फैलाने के संबंध में संबंधित संस्था को सूचित करना इत्यादि। ये सब वो कार्य हैं जो आप अपने घर के आसपास कर सकते हैं। आप घर के आसपास पार्क हो या सड़क पर कोई भी कचरा फैला रहा है अगर, तो उसको आप रोक सकते हैं। साफ सफाई करने में जो आपके सफाई कर्मचारी हैं उनकी आप मदद कर सकते हैं। यदि कोई पशु ऐसे रोड पर घूम रहे हैं तो अव्यवस्था फैला रहे हैं, तो उससे संबंधित जो संस्था है उनको आपको सूचित करना है। यानी कि आपको पर्यावरण को स्वच्छ रखने में पूरा योगदान देना है। अगला पॉइंट लिख सकते हैं इसमें, बगीचे एवं खेत में फसलों के पकने का अवलोकन करना, बच्चों की जिज्ञासाओं का समाधान उनसे प्रश्न पूछ कर करना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप क्या करें, खेत में जाएंगे, अभी जैसे कि आम का सीजन है, आम फल रहा है, कुछ दिन पकेगा, उसका अवलोकन करें कैसे पहले मंजर आया, फिर इसमें फल लगा, फल धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, फिर पक रहा है, तो पूरे को अवलोकन करना है। अवलोकन करेंगे तो आपके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न होगी, आपके छात्रों के अंदर जिज्ञासा उत्पन्न होगी, जिज्ञासा का समाधान कैसे कर सकते हैं उनसे प्रश्न पूछकर करिए। आप बच्चों के साथ कहीं भी जा रहे हैं, चाहे वो सड़क पर घूम रहे हो या कहीं भी जा रहे हो, आप उनसे लगातार प्रश्न कीजिए या आप अपने गुरु से लगातार प्रश्न पूछिए, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रश्न पूछेंगे उतने ज़्यादा आपके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न होगी। कहा भी गया है कि जिज्ञासु व्यक्ति ही आगे बढ़ते हैं। आपको क्या करना है, आपके प्रश्न की कोई अंत नहीं होनी चाहिए, आपको प्रश्न खूब पूछना है। आपके शिक्षक हम सब इसीलिए हैं, हम सभी आपके प्रश्न का जवाब देने के लिए हैं। आप जितना चाहें उतना प्रश्न पूछ सकते हैं, जितना प्रश्न पूछेंगे उतना ही आपके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न होगी। और आप टीचर बनेंगे तो आप ही अपने विद्यार्थियों से, आप ही अपने छात्रों से पूरा प्रश्न कीजिए। जितना ज़्यादा प्रश्न करेंगे, जितनी ज़्यादा बातचीत होगी उतना ही उनके ज्ञान में भी वृद्धि होगी। अगला इसका पॉइंट है, लिखिएगा, सांस्कृतिक एवं धार्मिक पर्वों के कार्यक्रम में सहभागिता एवं गतिविधियों का अवलोकन करना। जो भी कल्चर प्रोग्राम है, जो भी धार्मिक रिलीजन से संबंधित कार्यक्रम होते हैं, उन कार्यक्रम में अपनी सहभागिता देनी है और जो गतिविधि वहाँ पर हो रहा है उन सभी
गतिविधियों का आपको अवलोकन करना है। और इसके अलावा एक और काम आप कर सकते हैं, यह आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। वो काम यह है, अपने आसपास के पोस्ट ऑफिस, बैंक, हॉस्पिटल इत्यादि में चल रहे विभिन्न गतिविधियों का अवलोकन करना। आपके आसपास डाकघर होगा, बैंक होगा, हॉस्पिटल होगा, वहाँ पर कार्य प्रणाली कैसी चल रही है, वहाँ काम करने की प्रक्रिया क्या है, उसके बारे में आप जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। एवं एक और काम जो आप हम होमवर्क के तौर पर दे रहे हैं, इसको आपको पूरा करना है। करना यह है, अपने घर के आसपास, आपका जहाँ पर घर है या जहाँ पर आपका विद्यालय है या इस महाविद्यालय में जो भी पेड़ लगे हुए हैं, बहुत सारे पेड़ हैं, इस कॉलेज कैंपस में भी आपके घर के आसपास ही पेड़ होंगे, आपको करना यह है कम से कम 10 पेड़ का नाम, उसको नोट आउट कर लीजिए। आपका ये होमवर्क है। अच्छा, करना आपको ये है, आपको 10 पेड़ का नाम लिखना है, वैसे पेड़ जो कि आपके घर के आसपास में, वो कोई भी पेड़ हो सकते हैं, फलदार भी हो सकते हैं या फिर आयुर्वेदिक से संबंधित जड़ी बूटी कुछ भी हो सकता है, कोई भी पेड़, 10 पेड़ का आपको नाम लिखना है और उसकी उपयोगिता को जानना है, उसकी क्या उपयोगिता है, उसकी पूरी लिस्ट आपको बना करके मुझे भेज दी है। आप करेंगे क्या, आपका होमवर्क है ये, 10 पेड़ के नाम की सूची तैयार करेंगे और उसकी उपयोगिता क्या है, कहाँ कहाँ उसका उपयोग होता है, उस पेड़ से हमें क्या क्या फायदा होते हैं, तो उन सब की सूची आपको तैयार करनी है और हमें मुझे प्रश्न भेजनी है आपको। ये आपका होमवर्क रहेगा इस वीडियो का। और इस प्रकार से और भी बहुत सारी गतिविधियाँ हैं जो आप कर सकते हैं, और कौन कौन सी गतिविधियाँ हैं ये भी आप हमें बता सकते हैं कि जितनी गतिविधियाँ मैंने आपको बताई इस वीडियो में, इसके अलावा और कौन कौन सी गतिविधियाँ हैं जो आप करना चाहते हैं या करते भी हैं। अगर आप ऐसी गतिविधियाँ करते हैं तो उसकी भी आप एक सूची बना सकते हैं कि मैंने, मेरे द्वारा ये गतिविधि की गई, मैंने समाज के लिए आज ये कार्य किया, वो काम की अलग सूची भी आपका समझ दूसरा होमवर्क हो सकता है। वो आप जो भी काम करते हैं या ऐसा करना चाहते हैं उसके लिए सूची बना करके आप मुझे भेज सकते हैं। तो इस वीडियो में हम जान रहे थे DLED सेकेंड ईयर के पेपर कोड S3 में कार्य केंद्रित शिक्षण शास्त्र की समझ, अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्क ओरिएंटेड टीचिंग। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।